हेलो फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आज हमारे पास एक बजाज की पल्सर बाइक आई थी, वो 150 cc बाइक था और उस कस्टमर का कहना था कि हमारी जो गाड़ी है पिकअप नहीं बना पा रही है सही तरीके से। जब मैं रेस देता हूँ तो गाड़ी अच्छे तरीके से भागती नहीं है, जब मैं रेस देता हूँ तो गाड़ी के इंजन का जो आवाज़ है वो कुछ ज़्यादा रहता है और आगे भगाने में हमें दिक्कत होता है। तो आखिर क्या कारण है, क्या रीज़न है, आप देखिए और मेरी गाड़ी को सही कर दीजिए। तो वाकई में हमने जब गाड़ी को चला कर देखा तो मैंने उस गाड़ी में एक प्रॉब्लम पाया, वो क्लच प्लेट का। और क्लच प्लेट के वजह से ही दोस्तों ये समस्या आती है, जिस भी गाड़ी में अगर इस तरह की कंप्लेन हो 110 cc से ऊपर, अगर हम रेस दे रहे हैं और गाड़ी भागने में दिक्कत हो रही है, गाड़ी भगाते हुए हमें इंजन की आवाज़ कुछ ज़्यादा नजर आता है, ज़्यादा सुनाई देता है और गाड़ी भागती नहीं है, रेस में ज़्यादा देना पड़ता है और गाड़ी भाग नहीं रही है, तो ऐसे हालात में क्या होता है कि क्लच प्लेट ख़राब हो जाता है। तो फाइनली उस बाइक का मैंने क्लच प्लेट चेंज किया और उनसे कह दिया कि इसका क्लच प्लेट चेंज करना पड़ेगा, और साथ में क्लच प्लेट के साथ साथ उसका सेंटर हब भी पूरा ख़त्म हो गया था। तो यानी कि कहने का मतलब है कि क्लच प्लेट और सेंटर हब पूरा घिस गया था और उसी की वजह से गाड़ी सही तरीके से पिकअप नहीं बना पा रही थी। तो वो काम मैंने करके दे दिया उस ग्राहक को और उसके जो पैसे बने उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया हमारे अकाउंट में। अब देखिए यहाँ पर बात क्या आती है दोस्तों, कि मैंने जैसे थंबनेल में लिखा कि क्लच प्लेट बदलने के बाद गाड़ी वाइट स्मोक देने लगी। हम मैकेनिक के पास कभी भी अगर गाड़ियां आती हैं तो हम चलाकर देखते हैं जो समस्या होती है उस गाड़ी में। समस्या ऐसे बहुत सारी हो सकती है गाड़ियों में, पर सारे समस्या को दूर नहीं करवा सकते। जितने भी बीमारियां होगी गाड़ी में सारी बीमारियों को दूर नहीं कराते। कस्टमर क्या कहते हैं, थोड़ी ये काम कर दो वो काम बाद में कराएंगे। तो हमारे पास जो गाड़ी वो आए हुए थे तो मैंने उसका जो इंजन वर्क खोला था बहुत ही कम निकला था, और मैंने ये ध्यान दिया कि हो सकता है कि गाड़ी थोड़ा स्मोक दे रहा हो, धुआं मारता हो, उसकी वजह से थोड़ा मोबिलिटी की कमी हो। तो मैंने ये नज़रअंदाज करके मैंने उस गाड़ी में क्लच प्लेट लगा दिया और फिर इंजन ऑयल नया डाल के फिर मैंने उसको दे दिया। अब वो भाई साहब हमारे पास जो 5 महीने के बाद आते हैं उसका कहना होता है कि ये जब से आपने बना कर दिया है, क्लच प्लेट लगा कर दिया है, तो गाड़ी तब से ही धुआं मार रही है। हमारी गाड़ी पीछे के साइलेंसर के जरिए से सादा धुआं मार रहा है, आपने क्या कर दिया, मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगे। तो मैं उसके बातों का बुरा नहीं मानूंगा, पर इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा उस भाई साहब को कि आखिर गाड़ी धुआं मारता क्यों है। क्लच प्लेट डालने के बाद कभी भी गाड़ी मतलब धुआं नहीं मार सकती है, क्लच प्लेट का काम अलग होता है और धुआं मारने का काम अलग होता है। मैं आपको इस वीडियो में पूरे टॉपिक के साथ बताऊंगा। अगर आपके साथ भी अगर ऐसे कोई कंफ्यूजन होती है, आप एक कस्टमर या फिर एक मैकेनिक भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो ये समस्या हो सकता है आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि वो उन्हें जो हमारे पास जो कन्फ्यूजन हुई, मेरे पास क्लच प्लेट डलवाने आए और बाद में उसकी गाड़ी धुआं मारने लगी, तो उसका साफ मतलब कहना हो गया कि आपने कुछ ऐसे गलती कर दी हमारी गाड़ियों में, कुछ ऐसा काम कर दिया, कुछ से पार्ट्स ऐसा आपने खोल लिया जो हमारी गाड़ी धुआं मार रही है। तो चलो इस वीडियो में हम आपको पूरी तरीके से बताते हैं कि गाड़ी आखिर धुआं कैसे मारता है और क्लच प्लेट और गाड़ी का जो धुआं मारने का सिस्टम है, इन दोनों में क्या क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों हम आपको क्लियर तरीके से बताना चाहेंगे कि क्लच प्लेट और पिस्टन का क्या क्या काम होता है, दोनों जो पार्ट्स है वो कैसे काम करता है। दोस्तों क्लच प्लेट का काम होता है गाड़ी को आगे भगाना, गाड़ी का पिकअप बनाना। गाड़ी के जब हम भी गियर लगाते हैं तो गाड़ी एक क्लच प्लेट के माध्यम से ही भागता है, और क्लच प्लेट के माध्यम से ही गाड़ी रोकते हैं और आगे भगाते हैं। तो क्लच प्लेट का यही काम होता है, सिर्फ गाड़ी का पिकअप बनाना, गाड़ी का स्पीड बढ़ाना और गियर सही कंट्रोल में रखना, गियर को लगाना और छोड़ना, ये क्लच प्लेट का काम होता है। बाकी धुआं का जो काम होता है दोस्तों, धुआं के लिए गाड़ी के अंदर इंजन के अंदर जो हेड सिलेंडर होता है, सिलेंडर ब्लॉक में रिंग पिस्टन होता है, वो धुआं को रोकने में मदद करता है। और वो रिंग पिस्टन कैसे काम करता है वो भी आपको हम बता दें। पिस्टन का और रिंग दोनों मिलकर एक हवा बनाता है, इंजन के अंदर कंप्रेसर बनाता है, और उसके अंदर जो रिंग होती है, चूड़ियाँ होती है, मैं आपको साइड स्क्रीन पर भी आपको दिखा देता हूँ कि पिस्टन रिंग क्या होता है। जब वो पिस्टन ऊपर नीचे होता है, वो पिस्टन क्रैंक से जुड़ा हुआ होता है, सिलेंडर ब्लॉक लाइनर जिसे हम बोलते हैं। अगर आप किसी भी मोटरसाइकिल को चलाते हैं या फिर कोई फोर व्हीलर वाले आप मैकेनिक हैं या कोई भी मैकेनिक है, तो आप या फिर कोई आप पुराना ड्राइवर है, बहुत दिन से मोटरसाइकिल चलाते हैं या फिर कई बार आपने मोटरसाइकिल का इंजन बनवाया है, तो आपको पता होगा कि रिंग पिस्टन क्या होता है और क्लच प्लेट क्या होता है। रिंग पिस्टन का काम है कंप्रेसर बनाना, और रिंग पिस्टन के अंदर रिंग जो होता है, वो रिंग क्या होता है कि चलते 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 बहुत ज़्यादा स्पीड में चलता है, और उसका कोई लिमिट होता है, उसका लिमिट होता है घिसने का, कम से कम 35,000 के प्लस अगर हमारी गाड़ी चल जाती है तो इंजन का जो रिंग है वो थोड़ी बहुत घिस जाती है, और धीरे धीरे
जब 2000 गाड़ी किलोमीटर चल जाएगी, हम जैसे इंजन ऑयल चेंज कराते हैं और 2000 गाड़ी किलोमीटर चल जाती है, तो उसके बाद क्या होता है उनमें से 150 से 200 ml घट जाती है। और बहुत ज़्यादा जैसे 30 से 40 हज़ार या फिर 45 या 50 हज़ार भी गाड़ी चल जाती है, तो उस टाइम में जब हम 2000 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे इंजन ऑयल को, तो उस टाइम क्या होता है कि आधा लीटर ही पेट्रोल निकल मोबिले निकलता है इंजन से, या फिर कुछ ज़्यादा ही इंजन का रिंग पिस्टन डाउन कर जाती है, तो फिर उस टाइम क्या होता है कि साइलेंसर के जरिए से सीधा धुआं दिखाई देता है और इंजन से ऑयल कम होने लगता है। तो यहाँ पे बात क्या हुई थी कि हमारे पास जब ये बाइक आई थी, तो इस बाइक के इंजन से जब मैंने ऑयल निकाला था तो बहुत ही कम निकला था, 100-150 ml निकला था। तो मैंने सोचा हो सकता है कि गाड़ी मतलब काफ़ी दिनों से इंजन ऑयल चेंज नहीं कराया हो, या फिर मैंने यही सोचा कि हो सकता है कि ज़्यादा दिनों से इंजन ऑयल चेंज नहीं कराया हो तो उसके वजह से भी मोबिल कम निकलता है, या फिर मैंने जब किलोमीटर गाड़ी का देखा तो मुझे पता चला कि गाड़ी 45,000 किलोमीटर चल चुकी है। और वाकई में मैंने देखा किलोमीटर उसका तो 45,000 किलोमीटर चल चुकी थी, और 45,000 गाड़ी जब चल जाएगी तो इंजन का रिंग पिस्टन जाहिर सी बात है कि लो जरूर होगी, वो जरूर धुआं मारेगी। हो सकता है कि जब इंजन ऑयल कम होता है, दरअसल बात यह है कि जब रिंग पिस्टन डाउन कर जाती है तो मोबिलर वो उठाने लगता है इंजन के जरिए से, और वो धीरे धीरे कम हो जाता है, और जब जितना कम होता जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा इंजन से ऑयल, तो उसके बाद क्या होगा कि गाड़ी धुआं देना बंद कर देगी, साइलेंसर के जरिए से धुआं नहीं देगा, और आपको पता ये चलेगा कि गाड़ी तो हमारा बिल्कुल सही है, धुआं नहीं मार रही है। और जब मैंने क्लच प्लेट डाला और फिर नया इंजन ऑयल डाला, और नया इंजन ऑयल डालने के बाद जब वो ऑयल सही तरीके से लुब्रिकेंट्स हो रहा है इंजन में, सही तरीके से पिस्टन रिंग तक इंजन ऑयल पहुंच रहा है, तो इंजन ऑयल रिंग तक पहुंचने की वजह से जब रिंग घिसा हुआ रहता है उसमें जब गैपिंग होता है, तो उस गैपिंग की वजह से वो मोबिल ऊपर की ओर उठाने लगता है और हेड के जरिए से साइलेंसर के जरिए से वो बाहर निकलने लगता है धुआं बनके। तो उस टाइम उसे यही कन्फ्यूजन हुई कि मतलब जब से मैंने गाड़ी दिया उसको और मोबिल उन्होंने डाला फिर क्लच प्लेट डाला, तो उसके बाद से गाड़ी धुआं मारने लगी। पर उनके मतलब दिमाग में ये समझ में नहीं आ रही है कि गाड़ी आखिर धुआं क्यों मारती है, धुआं मारने का कारण क्या होता है, धुआं मारता क्या चीज़ से है, इसका कनेक्शन कहाँ से है। मैंने उसको लाख कोशिश किया मनाने का पर वो भाई साहब नहीं माने। इसके लिए मैं मतलब उस पर गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, फिर भी मैं उनसे खुश हूँ क्योंकि मैंने इस तरीके से उनसे समझाया कि धुआं मारने का जो काम होता है वो रिंग पिस्टन का काम होता है, और पिकअप बनाने का जो काम होता है वो क्लच प्लेट का काम होता है। मैंने आपके गाड़ी का सिर्फ क्लच प्लेट चेंज किया और सिर्फ मैंने इंजन ऑयल डाला है, और इसे क्लच प्लेट चेंज करने के जरिए से धुआं मारने का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आपकी गाड़ी धुआं अगर मारती है तो फिर मैं आपको पूरी उसका जो जानकारी है वो मैं आपको दे रहा हूँ। आप अगर हमें बजाज के शोरूम ले जाना चाहें या फिर 10 मैकेनिक के सामने अगर बोलवाना चाहें तो मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल पक्का बोल सकता हूँ। इसका जो कनेक्शन होता है वो मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ। मैंने उसको बता भी दिया कि रिंग पिस्टन घिस जाने की वजह से गाड़ी धुआं मारती है, और आपकी गाड़ी तो 45,000 किलोमीटर चल चुकी है क्योंकि 30,000 के बाद ही इंजन से ऑयल कम होने लगता है। हालांकि आपको धुआं दिखाई नहीं देगा, साइलेंसर के जरिए से धुआं नहीं दिखाई देगा 30,000 गाड़ी पार अगर चलेगी, लेकिन उसके वजह से क्या होता है मोबिल जो थोड़े बहुत उठाता है तो वो हेड में जल जाता है और साइलेंसर के जरिए से धुआं नहीं दिखाई देता है। और कुछ गाड़ियां क्या होता है कुछ ज़्यादा अगर रिंग गिर जाती है तो उसके जरिए से साइलेंसर के जरिए से धुआं दिखाई देगा, और धीरे धीरे अगर आप इंजन ऑयल को ध्यान नहीं देंगे धीरे धीरे क्या होता है इंजन से ऑयल खत्म हो जाता है, और धीरे धीरे फिर क्या होता है कि धुआं मारना बंद कर देता है। कुछ भाई तो हमारे पास जब कुछ कस्टमर हमारे पास जब आते हैं वो उसकी गाड़ी अगर धुआं मारती है तो वो क्या कहते हैं भैया इसका मोबिल चेंज कर दो, हमारी गाड़ी धुआं मार रही है, जबकि उन्हें कुछ भी पता नहीं है। अगर वो भाई साहब अगर हमसे ये पूछेंगे कि भाई हमारी गाड़ी धुआं क्यों मार रही है तो मैं उसको अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा, लेकिन वो खुद से कह रहे हैं कि भैया मेरी गाड़ी तो धुआं मार रही है आप इंजन ऑयल चेंज कर दीजिए, हो सकता है उसके वजह से इंजन ऑयल ज़्यादा चल गया हो उसके वजह से धुआं मार रही हो। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, ज़्यादा इंजन ऑयल चलने से धुआं नहीं मारता है, कम इंजन ऑयल अगर होगा इंजन में तो उसके वजह से रिंग पिस्टन डाउन कर सकता है, लेकिन ज़्यादा इंजन ऑयल चलने से धुआं नहीं मारता है। ठीक है, अगर इंजन ऑयल उसमें पूरा है, इंजन का रिंग पिस्टन बिल्कुल सही है तो धुआं नहीं मारेगी। अगर रिंग पिस्टन बिल्कुल खराब हो चुका है, उसका रिंग पिस्टन घिस चुका है, उसका पार्ट कुछ खराब हो चुका है, तभी गाड़ी धुआं मारती है, ऐसे नहीं मारती है। तो दोस्तों मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में गालियाँ ना दें, उसके लिए बस आप इस वीडियो में ये कमेंट करें कि सर क्लच प्लेट का कनेक्शन अलग होता है और पिस्टन रिंग का कनेक्शन अलग होता है, धुआं मारने का जो काम है वो पिस्टन रिंग का है और क्लच प्लेट का जो काम है वो सिर्फ पिकअप के विषय में काम करता है। ये क्लच प्लेट चेंज करने से और धुआं मारने से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आप ये कमेंट करके लिखें इस वीडियो में। और अगर ये वीडियो हमारे वो भाई साहब अगर देख रहे हैं वो कस्टमर, तो मैं बड़ी खुशी की बात है इस वीडियो के कमेंट के जरिए से उन्हें समझ में आए, क्योंकि मैंने बहुत ही समझाने की कोशिश की, हमारी बातें नहीं समझे, तो मुझे लगा कि आप लोगों तक ये बातें शेयर किया जाए।
तो आप लोगों के साथ भी ऐसा है दोस्तों। मैं लास्ट में आप सभी को यही कहना चाहूँ, कभी भी आपके पास गाड़ियां आती है, आप एक मैकेनिक हमारी वीडियो को देख रहे हैं या फिर आप एक हमारे कस्टमर हैं, हमारे एक कस्टमर वीडियो देख रहे हैं, तो कभी भी अगर गाड़ियां देते हैं तो अगर वो मिस्त्री चेक करके बताता है तो उसकी बातों को समझे, या फिर चेक करने के बाद भी कभी भी मैकेनिक गलत काम नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं ऐसा काम करके दूं कि हमारा जो ग्राहक है वो बना रहे, ग्राहक को कोई तकलीफ ना हो। तो ध्यान रहे दोस्तों, मैं मैकेनिक भाई से कहना चाहूंगा, जब भी गाड़ी आपके पास सर्विस के लिए आती है, इंजन ऑयल या फिर क्लच पीरियड के लिए या फिर टाइमिंग चेंज के लिए, तो सबसे पहले गाड़ी का इंजन ऑयल चेक करें कि गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल कितना है। अगर कम है तो उन्हें बता दें भैया आपकी गाड़ी में इंजन कम है, या फिर आप अगर कम होता है तो आप गाड़ी को स्टार्ट करके देखें, उसके बाद इंजन ऑयल चेंज करें। पहले ऑयल गेज लगा के गाड़ी को स्टार्ट मारें, हल्का रेस देकर देखें गाड़ी धुआं मारता है कि नहीं। अगर ऑयल नहीं है तो पहले ऑयल उसमें डालिए, उसके बाद फिर मोबिल डालिए, ठीक है। पहले पुराना ऑयल आपको डालना है, फिर नया डालना है। एसी में थोड़ा क्या होता है कि मिस्टेक हो जाता है और मैकेनिक को फिर बहुत कुछ सुनना पड़ता है और वो फिर उजहा जाता है उस टाइम में, और फिर कस्टमर को मन में दुखी हो जाती है कि यार तुमने मोबिल चेंज किया, कौन सा मोबिल डाल दिया, नहीं डाल दिया, गाड़ी हमारी धुआं मारने लगी। तो ध्यान रहे वही चीज़ आपको करना है, सबसे पहले मोबिल चेक करना है इंजन का, और अगर इंजन ऑयल कम होता है तो पहले पुराना ऑयल डालें, उसके बाद चेक करें कि गाड़ी धुआं तो नहीं मार रही। अगर धुआं मारती है तो साफ उसी टाइम कस्टमर से कहें भैया मैं अगर मोबिल नया डालूंगा तो भी गाड़ी धुआं मारेगी, अगर मैं पुराना डालूंगा तो भी धुआं मारेगी, क्योंकि इंजन का जो रिंग पिस्टन है वो डाउन कर गई है। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों ध्यान देना चाहिए। आज मेरे पास ये हादसा हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आज के बाद जितनी भी गाड़ी हमारे पास आएगी तो मैं इस तरीके से पहले चेक करूंगा, तभी उसकी गाड़ी की सर्विस करूंगा। क्योंकि ये सारे कन्फ्यूजन आप कितनों भी कोशिश कर लीजिए, सभी ग्राहक अलग अलग मिजाज के होते हैं, सभी को आप हर तरीके से नहीं समझा पाएंगे। कुछ ग्राहक तो बिना पूछे ही जो करके दोगे वही करके वही मतलब कराकर चले जाते हैं, ज्यादा तो पूछते भी नहीं, जितना पैसा ले लो जितना बिल बना लो कुछ मतलब नहीं उसे, बस उन पर भरोसा होता है। अगर जिस पे भरोसा है तो काम हम लोग सही ही करते हैं, अगर भरोसा नहीं है तो भी हम सही करते हैं, अगर भरोसा है तो भी सही करते हैं। कभी भी मैकेनिक किसी ग्राहक के साथ किसी कस्टमर के साथ फ्रॉड नहीं करता है, अगर फ्रॉड करता है भैया तो वो जाने, मैं नहीं करने वाला हूँ। आई होप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ काशी मोटो झारखंड गोड्डा नरे से। थैंक यू दोस्तों, मैं कल मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब के विषय में, जो हमारे इस काशी मोटो यूट्यूब चैनल में 200,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है और सेलिब्रेट मैंने किया, जश्न मनाया था, उसकी मैंने वीडियो डाला। तो ज़्यादातर उस वीडियो को लोगों ने नहीं देखा है, तो प्लीज़ मैं आप सभी से कहना चाहूँगा उस वीडियो को देखें। हमारा देखने के बाद क्या होगा और मुझे खुशी महसूस होगी कि नहीं हमारे इस मोटरसाइकिल के साथ साथ हमारे और भी वीडियो आप लोग देखते हैं और पसंद करते हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें, इस वीडियो के नीचे आपको वो वीडियो मिल जाएगी।